नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ बीस साथी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बीस साथी ब्लॉग में। दोस्तों आज है 23 दिसंबर और आप लोगों ने देखा है सुबह सुबह उठ के मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो मैंने अपना चाय बना के आज मैंने सबसे पहले सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद काम में लग जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। आज बनाने जा रही हूँ मसूर दाल और ये बीट रूट की सब्जी। तो बीट रूट और मसूर दाल को थोड़ा सा फ्राई करके अब इसमें पानी डाल के इसे उबालने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा सा आलू भी दूंगी। फ्राई कर लिया, अब इसे उबालने के लिए छोड़ दिया, इसे ढकना मत। तो ये बॉयल हो चुका है, इसे एक अलग कटोरी में रख देंगे। कितना सारा पानी देखिए, तो देखिए मैंने एक बाकेट जैसा खरीदा है और इसमें इस तरह से आलू को काट के पानी में, ये पानी में है, पानी में जब इस तरह से उठाऊंगी और यहाँ पे रख देती हूँ तो पानी पूरा निकल जाएगा। आलू फ्राई कर रही हूँ, कढ़ाई को थोड़ा सा ज्यादा गर्म कर दिया इसलिए काला हो गया। ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने दाल को बॉईल किया था, तो थोड़ा तेल ज्यादा गर्म हो गया इसलिए काला हो गया। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा आलू तल रही हूँ। देखिए ये दरदरा सब प्याज को पेस्ट किया है, पूरा एकदम महीन पेस्ट नहीं किया है, तो इससे खाना ज्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। गरम कर दिया, यह है थोड़ा सा सफेद जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, इन सबको इसमें दे रही हूँ अच्छे से फ्राई हो जाए। ये बस थोड़ी सी कच्ची प्याज छोटी छोटी पीसेस में काट के और लहसुन को भी छोटी छोटी पीसेस में काट के दे रही हूँ, इससे मसाला जलेगा नहीं, टेस्ट भी आएगा और मसाला भी जलेगा नहीं। इसलिए गरम मसाला है, बहुत ज्यादा अगर हीट हो जाए तो जल जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी कच्ची प्याज भी दे रही हूँ। इससे क्या होता है, ये प्याज अगर मुंह में आ जाए तो तेज भी लगता है और लहसुन का तो बात ही अलग है। टाइम बहुत कम है इसलिए एक साइड में अदरक लहसुन का पेस्ट दे रही हूँ और दूसरी साइड में पेस्ट किया हुआ प्याज दे रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है इसलिए, नहीं तो मैं अलग अलग से ही इसे फ्राई करती। लगभग 9 बज चुके हैं और मुझे और भी जल्दी जल्दी खाना पकाना है, तो इन दोनों को अलग से ही फ्राई करती, लेकिन क्योंकि टाइम कम है मेरे पास तो एक साथ दे दिया। अब ये इधर फ्राई होगा, ये इधर फ्राई होगा, फिर दोनों के एक साथ कर देंगे, ठीक है ना, टाइम कम लगेगा। देखिए अंडा पूरा खराब हो गया, मैं कह नहीं रही हूँ कि मैं कुछ दिनों से अंडा बिल्कुल भी बॉयल नहीं कर पा रही हूँ, देखिए छिलने गई तो पूरा खराब हो गया। तो अब ये सब डाल दिया है और इतना जल्दी जल्दी बना रही हूँ ना, अगर थोड़ा सा समय मिलता तो और अच्छे से बना सकती थी, बहुत जल्दी जल्दी ये बना रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा समझ के, आप लोग अगर बनाए इस रेसिपी को थोड़ा सा टाइम देके जरूर बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। रोटी के साथ खा के आप देखना, ये रोटी के साथ बहुत प्यारा लगता है। तो बाबा के पापा को लंच बॉक्स में दे रही हूँ चावल, जो बीटरूट की सब्जी दिखाई थी दाल के साथ वो वाला, देखिए कलर बहुत अच्छा आता है इसका, देखने में ही इतना खूबसूरत है, खाने में भी बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है ना। और ये फूल गोभी और अंडे से बनी हुई सब्जी, बीटरूट की सब्जी भी देख लीजिए, अच्छी लग रही है ना, मुझे कलर बहुत अच्छा नहीं आता लेकिन सामने से इसका कलर बहुत खूबसूरत लगता है और ऐसे बना के हम लोग बहुत मजे से खाते हैं इसे। तो बाबाई के पापा अब निकल गए हैं और घर है पूरा खाली, तो अब
खाली घर को साफ करना अच्छा लगता है। घर में अगर कोई रहता है ना तो घर साफ किया नहीं जा सकता। तो आप तो जानते हैं बाबा के पापा के निकलने के बाद पूरा घर बिखरा पड़ा रहता है, तो पहले बिखरा पड़ा हुआ जो चीजें है उसको समेट लेती हूँ और उसके बाद आज कुछ नया करने के लिए सोचा है तो वो आप लोगों को तो जरूर दिखाऊंगी, लेकिन पहले घर को जो जो चीजें बिखरे पड़े हुए हैं उनको समेट लेती हूँ। सबसे पहले घर में रोशनी आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो खिड़की दरवाजे जितना भी खोला जा सके उतना रोशनी आने के लिए खोल देती हूँ। ये लॉन्ड्री में आयरन के लिए जाने वाले कपड़े हैं, इसे अलग से रख देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को कभी एक चीज दिखाया नहीं है, मेरे घर में एक ऐसा घर का कोना है जो एकदम फालतू पड़ी रहती है। मतलब एक ऐसा घर बन गया है जो किसी काम में यूज नहीं होता है, और घर की वो सारी चीजें जो ना ही आप फेंक सकते हो और ना ही आप रख सकते हो, वैसी चीजें रखने की जगह बन गई है वो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये वाला घर मैंने ना बड़े प्यार से इस घर को बनाया था, इस रूम को मैंने बहुत प्यार से बनाया था। मैंने अपनी स्वाइंग मशीन जो है उसको चलाने के लिए मतलब एक अलग सा घर, और बेटा अगर पढ़े तो पढ़ने का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये घर बनाया था। लेकिन ऊपर देखिए, ये एडविस्टर का घर है, तो गर्मी में ये बहुत ज्यादा गर्म रहती है और सर्दियों में रात को एकदम इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है के इसमें रहना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये घर इस कारण ना फालतू रहते 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 रहते, और बीच में ये जो एडवेस्टर ये फट भी गया था, तो तब इसमें से पानी गिरता था, तो ऐसे होते 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 ये घर पूरा फालतू, ये रूम पूरा फालतू जैसा होने लगा। तो अब मुझे इस रूम को फिर से ठीक करना है और यहाँ पे फिर से मुझे काम स्टार्ट करना है। कब तक कर पाऊंगी मुझे पता नहीं है, लेकिन आज से मैं वो काम शुरू कर रही हूँ। एक दिन में तो ये नहीं हो सकेगा, पता नहीं कितने दिन लगे। ये देखिए, ये लकड़ी जो आप फेंक भी नहीं सकते हो और रख भी नहीं सकते हो, ऐसी चीज इस घर में अब रहने लगी है। बाबा को अब सर पढ़ाने आए हैं, और जब तक बाबा को सर पढ़ा रहे हैं मैं तब तक अपनी रोटी बना के कंप्लीट करके रख देती हूँ। तो आज है 24 दिसंबर और आज है शनिवार, आज बाबा के पापा का छुट्टी है, बाबा का भी क्रिसमस का छुट्टी आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आज सब कोई हम घर में हैं। तो आज जो है खाना बनाने का थोड़ा सा प्लानिंग है मेरा कि मैं छोले तो बनाऊंगी, छोले के साथ क्या बनाऊंगी पता नहीं है। छोले के साथ वैसे तो कुलचे ही खाया जाता है, लेकिन मेरे घर में कुलचे नहीं चलता है, तो शायद छोले के साथ पूरी बना लूं या रोटी ही बना लूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं कल कंटिन्यू करूंगी। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग फिर से एक नए वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आज नया करने की सोची है, सही बोल रही हूँ?